नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 3 लाइन का एक सरकारी आदेश कानून जो हमने प्रस्ताव किया है, इसका नाम जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली सिस्टम, गरीबी को 4 महीने में ही कैसे कम कर सकता है, नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी आमदनी MRCM कानून ड्राफ्ट वाला। मांग की है इस जनता की आवाज़ सरकारी आदेश जो भारतीय राजपत्र में प्रधानमंत्री डाल सकता है का सार है। यदि नागरिक चाहे तो अपनी फरियाद या अर्जी 20 रुपये एक पेज को देकर कलेक्टर की कचहरी जाकर प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर रखवा सकेगा। यदि नागरिक चाहे तो 3 रुपये का शुल्क फीस देकर कोई भी पहले दी गई अर्जी पर अपनी हाँ ना प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकेगा। हाँ ना प्रधानमंत्री पर बंधनकारी जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपके आसपास एक किराए का मकान है और आपने उसको किराए पर दिया है, तो फिर किराया किसको जाना चाहिए, आपको या सरकार को? आप कहेंगे कि आपको जाना चाहिए। ऐसे में आपको यदि पूछें कि यदि एक मकान है जिसके 10 बराबर के मालिक हैं, उसको किराए पर दिया है, तो किराया किसको जाना चाहिए? आप कहेंगे कि 10 मालिकों को बराबर बराबर किराया जाना चाहिए। इसी तरह यदि कोई बहुत बड़ा प्लॉट हो जिसके 120 करोड़ मालिक हैं, यानी पूरा देश मालिक है, और वो किराए पर दिया है, तो उसका किराया पूरे देशवासियों को 120 करोड़ लोगों में बराबर बराबर बंटना चाहिए। प्लॉट हैं जिसके 120 करोड़ मालिक हैं, जी हाँ, IIMA कॉलेज के प्लॉट, JNU कॉलेज के प्लॉट, सभी UGC के प्लॉट, अहमदाबाद एयरपोर्ट के प्लॉट, सभी एयरपोर्टों के प्लॉट और हजारों ऐसे भारतीय सरकार के प्लॉटों से मिलने वाली जमीन का किराया और भारत के सभी खनिज कोयला और कच्चे तेल से मिलने वाली सरकारी रॉयल्टी हमें भारत के आम नागरिकों और से हमारी सेनाओं को जाना चाहिए, किसी और को नहीं। और यह रॉयल्टी व किराया सीधा ही मिलने चाहिए, किसी योजना या स्कीम के जरिए नहीं। एक तिहाई हिस्सा सेना को जाना चाहिए देश की रक्षा के लिए, और बाकी 2/3 नागरिकों को बराबर बराबर बंटना चाहिए। ऐसा होता है तो एक अनुमान से हर एक नागरिक को लगभग 400-500 रुपये महीना मिलेगा, जिससे देश की गरीबी कम हो जाएगी। जिस दिन नागरिक प्रधानमंत्री को जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली सिस्टम पर हस्ताक्षर करने को मजबूर करने में सफल हो जाते हैं, उसी दिन मैं सेना और नागरिकों के लिए खनिज रॉयल्टी आमदनी MRCM ड्राफ्ट को शपथ पत्र एफिडेविट के तौर पर जमा करवा दूंगा। इसका पूरा ड्राफ्ट www.right2recall.info registtoreceall.info/301.h.pdf के Chapter 5 में दिया है। इस ड्राफ्ट में एक प्रशासनिक तरीके को बताया गया है जिससे राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी हर नागरिक को लगभग 500 रुपये, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, प्रति महीने भेज सकेंगे। देश आज 50 करोड़ मतदाता दिन का 20 रुपये से कम कमाते हैं। अब बताएं कि कितने करोड़ नागरिक आप समझते हैं कि 100% नैतिक सही लगभग 500 रुपये प्रति महीने नहीं लेना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि 40 करोड़ से ज़्यादा नागरिक 100% नैतिक रुपये चाहते हैं। ऐसे करोड़ लोग MRCM के कानून ड्राफ्ट पर अपनी हाँ दर्ज कराएंगे, पटवारी के दफ्तर जाके अपनी अंगुली की छाप, फोटो और मतदाता पहचान पत्र द्वारा अपनी जांच करवाकर। फिर ये करोड़ों लोग ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे, अपने आसपास के नेता जज बाबू को बोलेंगे कि देखो, करोड़ों लोग इस सरकारी आदेश की मांग कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर जाकर जहाँ उनके नाम पते अंगुली की छाप है। ये सरकारी आदेश प्रधानमंत्री को बोलो कि इस पर हस्ताक्षर करें और भारतीय राजपत्र में डालें। यदि ये नेता ऐसे करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी भी पोल खुल जाएगी। इसलिए इन नेता जज आदि का पर दबाव बढ़ेगा और इनके द्वारा प्रधानमंत्री पे दबाव आएगा, और इस तरह जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली ये सुनिश्चित करेगा कि प्रधानमंत्री नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी आमदनी MRCM ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने को मजबूर हो जाते हैं। और जब ये एक बार MRCM ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर हो जाता है, तो हम आम नागरिकों में से हर एक नागरिक को हर महीने 500 रुपये के लगभग मिलेगा, और इस प्रकार गरीबी कम हो है। नागरिकों और सेना के लिए खनिज खदान रॉयल्टी आमदनी है ड्राफ्ट पारित करवाने के लिए जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली सिस्टम ड्राफ्ट का भी होना जरूरी है। यदि नागरिकों और सेनाओं के लिए खनिज रॉयल्टी आमदनी MRCM का समर्थक संसद में बहुमत मिलने तक इंतजार करने और तब MRCM लागू करने पर अड़ जाता है, तो ऐसी संभावना है कि MRCM समर्थक को हमेशा के लिए इंतजार ही करते रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो उसे संसद में बहुमत नहीं मिलेगा, और इससे भी बुरा होगा कि यदि उसे बहुमत मिल जाता है
तो इस बात की संभावना है कि उनके अपने ही संसद बिक जाएंगे। और नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी MRCM ड्राफ्ट पारित करने से मना, उनके लिए वर्ष 1977 में जनता पार्टी के सांसदों ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि प्रजाधीन राजा राइट टू रिकॉल यानी भ्रष्ट को बदलने का नागरिकों का अधिकार कानून लागू करेंगे, लेकिन चुने जाने के बाद में उन्होंने प्रजाधीन राजा राइट टू रिकॉल कानून पास करने से मना कर दिया। इसलिए मेरे विचार से नागरिकों और सेना के लिए खदान या खनिज रॉयल्टी आमदनी MRCM के कार्यकर्ताओं को जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली ड्राफ्ट पर जन आंदोलन पैदा करने पर ध्यान लगाना चाहिए और जनता की आवाज़ ड्राफ्ट पारित करवाना चाहिए, ना कि चुनाव में जीतने तक इंतजार करना चाहिए। अब हम सेना और नागरिकों के लिए खनिज रॉयल्टी आमदनी MRCM कानून ड्राफ्ट का संक्षिप्त छोटे में जानकारी लेंगे। इसमें नागरिकों को अपने खाते बनवाने होंगे अपनी उंगली के छाप और अपने कोई भी पहचान पत्र देखकर। कुछ 2-3% बांग्लादेशियों के जाली खाते भी बन जाएंगे जिसके लिए बाद में राष्ट्रीय पहचान पत्र बना सकते हैं, जिसके बनने पर ये भी निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय जमीन किराया अधिकारी NLRO घोषित करेंगे जिसके भारत के नागरिक बदल सकते हैं। बदलने की प्रक्रिया तरीका प्रधान अधीन राजा रिजर्व बैंक गवर्नर या प्रजा अधीन प्रधानमंत्री के समान होगी। राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी पर प्रजाधीन राजा राइट टू रिकॉल यह सुनिश्चित कर देगा कि राष्ट्रीय भूमि अधिकारी काफ़ी कम भ्रष्ट होंगे और किराए का पैसा नागरिकों को दिया करेंगे। राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी उन प्लॉटों का आवंटन करेंगे बांटेंगे जिन्हें भारत के नागरिकों की संपत्ति घोषित किया जाएगा। वे राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी ऐसा एक कानून द्वारा या राष्ट्रीय जूरी के फैसले के माध्यम से करेंगे जो राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी को जमीन को बांटने का विशेष तौर पर ये काम सौंपेंगे। राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी NLRO कुल प्राप्त किराया और देश की सारी खदानों की रॉयल्टी और अन्य रॉयल्टी आमदनी के कुल जोड़ का 34% हिस्सा रक्षा मंत्रालय को देगा जो सेना को मजबूत बनाने, हथियार उपलब्ध कराने और सभी नागरिकों को हथियार चलाने की शिक्षा देने के काम के लिए होगा। राष्ट्रीय भूमि किराया अधिकारी भारत के नागरिकों को हर महीने कुल जमा हुए किराए और रॉयल्टी आमदनी का 66% हिस्सा बांटेगा। अब हम सेना और नागरिकों के लिए खनिज रॉयल्टी आमदनी कानून ड्राफ्ट लागू होने से फायदे की बात करते हैं। सेना और नागरिकों के लिए खनिज रॉयल्टी आमदनी और पब्लिक जमीन का किराया MRCM आने पर जमीन की कीमत घटेगी क्योंकि सार्वजनिक पब्लिक भूमि का किराया देना होगा और इसलिए जमीन की जमाखोरी करना बहुत महंगा पड़ेगा। अब यदि जमीन की कीमत गिरती है तो घरों की कीमत भी कम होगी जिससे हम आम लोगों का जीवन सुधरेगा। हम आम लोगों में से कई लोग जो झुग्गियों में रहते हैं वे शायद एक बेडरूम हॉल रसोई कमरों में जा सकेंगे और यदि जमीन की कीमत घटती है तो धंधों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि जब जमीन की कीमत गिरती है तो कारीगरों के लिए धंधा बढ़ना आसान हो जाता है और हम आम लोगों को ज़्यादा रोजगार और वेतन मिलेगा। जमीन किराया और खदान की रॉयल्टी आमदनी के प्रस्तावों से आय बढ़ेगी और गरीबी कम होगी। इस प्रकार इससे गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति खरीदने की ताकत बढ़ेगी। खरीद ताकत से बढ़ने से मांग बढ़ेगी और इस प्रकार उद्योग धंधे बढ़ेंगे और इससे हमारी सेना भी मजबूत होगी। सार्वजनिक पब्लिक भूमि जिसको सरकारी जमीन बोला जाता है और जो असल में 120 करोड़ लोगों की जमीन है, पर किराया जमा ना करने का प्रभाव खुले अन्याय की तरह है जिससे अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण और आर्थिक असमानता अन्यायपूर्ण तरीके से बढ़ता है। उदाहरण के लिए एयरपोर्टों पर विचार कीजिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर विचार कीजिए। यह हर साल 2 करोड़ यात्रियों को सेवा देता है। इसके जमीन से 6,000 करोड़ रुपए हर साल किराया मिल सकता है, अर्थात 3,000 रुपये हर यात्री के पीछे मिल सकते हैं। उच्च वर्ग के आदमी के बारे में विचार कीजिए जो एक वर्ष में 20 बार दिल्ली एयरपोर्ट का उपयोग करता है, लेकिन 3,000 रुपया प्रति उड़ान की दर से जमीन का किराया उससे ना वसूलने के कारण उसकी अमीरी 6 लाख रुपए बढ़ जाती है और भारत का प्रत्येक आम आदमी को हर साल 60 रुपए की हानि होती है क्योंकि आम आदमी को दिल्ली एयरपोर्ट के प्लॉट जो कि उसका अपना है से किराया नहीं मिलता और किराया ना वसूलने से अन्यायपूर्ण तरीके से दौलत आय का अंतर बढ़ जाता है। बात करेंगे कि जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली सिस्टम द्वारा सेना और नागरिकों के लिए खनिज रॉयल्टी आमदनी का ड्राफ्ट कैसे आ सकता है। प्रत्येक कानून ड्राफ्ट में पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली सिस्टम की पहली 2 लाइनों का दोहराया गया है। यह दोहराव क्यों है?
सांकेतिक मूल्य को एक और छोड़िए, इस दोहराव का राजनीतिक महत्व भी है। यह हो सकता है कि एक नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी आमदनी एमआरसीएम के कार्यकर्ताओं को एमआरसीएम विरोधी बुद्धिजीवियों से लड़ाई लड़नी पड़े। तब एमआरसीएम कार्यकर्ता उस इस कानून को वैसा कानून ड्राफ्ट उपलब्ध कराने की चुनौती दे सकता है जो वह चाहता है, और तब उनसे जनता की आवाज़ की दो लाइनें जोड़ने को कह सकता है उस कानून ड्राफ्ट दिए गए कानून ड्राफ्ट में। यदि विरोधी पक्ष अंतिम दो लाइनों को जोड़े जाने का विरोध करता है तो उस पर आम आदमी का विरोधी होने का आरोप लगाया जा सकता है, और यदि वह इन दो लाइनों को जोड़े जाने का स्वीकार करता है तब परिणाम यह होगा कि उसका प्रस्तावित कानून इस जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली सिस्टम को लागू करेगा, जिसका उपयोग करके वो एमआरसीएम कानून जनता की हाँ का उपयोग करके लाया जा सकता है। कानूनों का यह जोड़ बताता है कि जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली के लिए मांग केवल कोई दोहराया गया केवल एक राय देने का साधन ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा कानून है जिसे किसी भी अन्य कानून में जोड़ा जा सकता है, और यदि एक बार यह कानून जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत प्रस्ताव प्रणाली दूसरे कानून के साथ जोड़कर पास हो जाए विधानसभा में या सरकारी आदेश द्वारा प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर द्वारा, तो इन दोनों धाराओं को सभी जनहित के कानूनों को लाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसका प्रस्ताव मैंने किया है या कोई अन्य व्यक्ति करेगा। जनता की आवाज़ स्वयं पैदा करने वाला प्रस्ताव है, अर्थात यदि सभी कानून गलत भी हों लेकिन एक कानून के साथ जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत प्रणाली सिस्टम की ये दो धाराएं भी हैं तो सभी अच्छे कानूनों को लागू किया जा सकता है, और ये दो लाइनों का जोड़ा जाना किसी भी आम जनता के विरोधी अलोकतांत्रिक कानून को बाहर का रास्ता दिखलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि यदि एक किसी अलोकतांत्रिक कानून में ये दो लाइनें शामिल हो जाती हैं तो इसके जनता विरोधी धाराओं कुछ ही दिनों में या कुछ ही सप्ताहों में से नागरिक द्वारा नकार दिया जाएगा। आज फिर से दोहराता हूँ कि यदि आप गरीबी दूर करना चाहते हैं तो ये दोनों कानूनों या सरकारी आदेश के बारे में जन जन को बताएं, और उन्हें कहें कि अपने आसपास के नेता, जज, बाबू, मीडिया, समाचार पत्र, टीवी चैनल, रेडियो आदि से कहें कि प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करके भारतीय राजपत्र में डालें। इसके पूरे लिंक आप विवरण में भी दे सकते हैं। धन्यवाद।